आई एम अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया। आज बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन हुआ हो, आइए। अगर आप उपस्थित हैं तो मेरी ऑडियो वीडियो कैसी आ रही है मुझे जरूर बताइए। मैं दूसरे स्क्रीन पर भी देख रहा हूँ, आइए तब तक कुछ आपको सुनाता हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत महीनों के बाद ऑनलाइन हुआ हूँ, आपके कमेंट्स ले रहा हूँ। आदित्य शर्मा क्या हाल है, आत्माराम मनुष्य क्या हालचाल है, आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ फरमाइश हैं तो कोशिश करूँगा कि मैं उनको पूरा करूँ और आपके सवालों का भी जवाब दूं। जय श्री कृष्णा। मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है मुझे बताइएगा। छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, जब दीप जले आना, राग यमन कल्याण पर आधारित एक खूबसूरत गीत। बैकग्राउंड में मैंने इको लगा रखा है ताकि आपको सुनने में बहुत अच्छा लगे, मजा भी आए। तो ये मैंने आपको सुनाया, जब दीप जले आना और शाम ढले आना। आत्माराम जी, 2 साल पहले आपकी ट्यूटोरियल देखता था और आप यकीन नहीं करेंगे,
आज सुबह मैं आपको याद कर रहा था, फिर यह नोटिफिकेशन आया। बहुत अच्छी बात है आत्मानव जी, चलिए हम लोगों की मुलाकात हो गई। व्हाट्सएप से भी मेरे जुड़े रहिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो ज्वाइन बटन ले लीजिए। वहाँ पर मैंने सैकड़ों वीडियो ऑनलाइन में जो सिखाता हूँ उनकी रिकॉर्डिंग वहाँ उपलब्ध है। ज्वाइन बटन लेने पर आपको मात्र 159 रुपये में आपको मिलेगा बहुत सारे ट्यूटोरियल, जो आधे घंटे के, 10 मिनट के, 20 मिनट के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, जिसमें मैंने बहुत सारी गूढ़ बातें बताई हैं, सीखने में क्या परेशानी आती है लोगों को वो आप देख पाएंगे। तो पिछले 10 सालों से मैंने जो कलेक्शन किया है यूट्यूब चैनल पर, करीब 1500 से ऊपर वीडियो है सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के। अगर आप ज्वाइन बटन लेते हैं तो आप देख पाएंगे, और मात्र 159 में मंथली आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। वैसे तो मैं यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, ट्यूटोरियल्स भी डालता रहता हूँ, जिससे आप लोगों को मदद मिलती है और बहुत सारे टिप्स और टेक्निक। लेकिन जो सिखाने के दरमियान में गुरु और शिष्य, टीचर और स्टूडेंट के बीच कन्वर्सेशन होता है, उससे बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। अच्छा लगे तो जरूर ज्वाइन बटन 1 महीना लेकर देखिए और चेक कीजिएगा। आपके कुछ प्रश्न हैं तो मुझे बताइएगा। ओम प्रकाश जी, क्या हालचाल है? मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को ठीक रखने की, बहुत सारे डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा है, होम्योपैथिक अंग्रेजी। अच्छा, आप यूरोप में हैं तो आप पूनम फ्लूट से मंगा लीजिए, या जहाँ भी है वहाँ पर अच्छी फ्लूट आप चेक कर लीजिए, लीजिए जरूर। एक दो अच्छी बांसुरी तो रखनी चाहिए। अच्छी बांसुरी का मतलब होता है कि सुरीलापन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सुरीलापन बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, आप कुछ भी बजाएं अगर वो सुर में ना हो तो बहुत दिक्कत होती है। साजिद सरकार, क्या हालचाल है? अच्छा, किन्ना सोना तुझने रब ने बनाया, मैं रब करूँ देखता रहा। चलिए मैं थोड़ा सा देखता हूँ, ट्राई करता हूँ एफ शार्प पे स्केल पर। हालांकि मैं एक कवाली का भी मैं लिख ही रहा था एक ट्रैक, F7 बांसुरी लिया है मैंने। इसका फ्लूट लेसन मुझे याद आ रहा है कि मैंने डाला है, किन्ना सोना तैनु रब ने बनाया, और इसका फ्लूट लेसन नुसरत फतेह अली खान साहब ने जो गाया है उसका मैंने बनाया है। मेरे ख्याल से ट्यूटोरियल आप चेक कीजिए, किन्ना सोना तैनु रब ने बनाया, अंजनी फ्लूट लेसन आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। अब पूरा डिटेल वीडियो मैंने डाला है, आप उसको देखिए, सुनिए और आनंद लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और याद रखिएगा, ज्वाइन बटन जरूर लीजिएगा। ज्वाइन बटन लेने के बाद आपको मिलेगा सैकड़ों वीडियो का समूह, आपको मिलेगा जिसमें मैंने ऑनलाइन जो मैं सिखाता हूँ वो वीडियोस आपको एक्सेस करने का मौका मिलेगा। पूनम फ्लूट क्लियर सेल में गुड है, बहुत अच्छा है, मैंने कई स्टूडेंट को दिलवाया है। अच्छा आत्माराम जी, मेरा इलाज होम्योपैथिक अंग्रेजी दवा और वो क्या बोलते हैं आयुर्वेद, तीनों में चल रहा है। एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम है फिजिकली, डॉक्टर कहते हैं मैं ज़्यादा सोच विचार बहुत ज़्यादा करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ज़िंदगी में इस मोड का एक मोड है, वो 55-56 के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं, तो शायद उसका शायद ही असर है। फिर भी इलाज चल रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। चलिए आप लोगों के शुभकामनाएं मिलेगी तो जल्दी ठीक होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा, और डेली आजकल मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, छोटे छोटे जो बिगनर्स हैं जिनको थोड़ा थोड़ा दो लाइन बजाने में मज़ा आता है, तो टुकड़े टुकड़े में वीडियो डाल रहा हूँ,
वो आप जरूर सुनिए, जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा। बांसुरी वाला बैग दे दीजिए, तो बोला बांसुरी का बैग मैं मंगवा रहा हूँ, कुछ खास फरमाइश होगी तो मैं जरूर ना। फ्लूट बजाने के बाद आशुतोष जी मन बिल्कुल शांत होना ही चाहिए, नहीं अशांत तो होना नहीं है, साथ में थोड़ा थोड़ा पानी भी पीते रहिएगा तो बहुत मजा आएगा आपको और अच्छा लगेगा आपको। और बांसुरी तो बजाते ही हैं हम लोग रिलैक्सेशन के लिए, वो जरूरी है, रिलैक्स नहीं होंगे तो फिर बांसुरी फिर किस काम की, कि वो एक तरह से मेडिटेशन और रिलैक्सेशन के लिए ही हम लोग बजाते हैं। आइए थोड़ा सा एक बी बेस की बांसुरी ले रहा हूँ, बहुत खूबसूरत सा एक गीत है, हीरो फिल्म का एक गीत है जिसे रेशमा जी ने गाया है, थोड़ा सा इको लगा के। कैसा लगा ये धुन मुझे बताइए, अब आपके कुछ रिप्लाई भी कर दो। साजिद सक्टार कैसे हैं आप, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और द आर्ट ऑफ फ्लूट लिखते हैं सर, क्या ऑनलाइन सीखना सही है? बिल्कुल सीखे, आप किसी से भी सीखिए, कुछ तो आपको ज्ञान तो मिलेगा ही, क्योंकि इंटरनेट पर ज्ञान बिखरा पड़ा है, बस उसको ऑनलाइन सीखिए या ऑफलाइन सीखिए, वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको वास्तव में क्या करना है। टीचर तो वही बताएंगे जो आपको सीखना है, जो समझना है, तो कुछ ना कुछ टीचर से तो आपको मदद तो मिल जाएगी। मेरा चैनल आप 4 साल से देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बांसुरी में आपको सब कुछ सिखाऊंगा, भारतीय संगीत शास्त्र का जो थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, आपको जो भी समझना है, श्रुति शास्त्र समझना है, भारतीय संगीत का इतिहास समझना है, और घरानों के बारे में समझना है, घरानों में कौन सा राग किस तरह से चलता है, किस घराने में मैयर घराने में कैसे गाते हैं, किसी चीज़ को किराना घराने में कैसे गाते हैं, वो राग यमन को ही, अब आप जयपुर अतरौली घराना में कैसे गाते हैं, कौन सा ताल इस्तेमाल करते हैं, पूरा डिटेल स्टडी आप सीख सकते हैं मेरे साथ। और बॉलीवुड की अगर इच्छा है तो बॉलीवुड में जो भी पसंद हो, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, किसी भी लैंग्वेज का गाना हो, आप आइए और सीखिए। लैंग्वेज मेरे लिए कोई बाढ़ नहीं है, हालांकि मुझे हिंदी और अंग्रेजी आती है, लेकिन मैंने अपने मन और दिमाग को इतना खुला रखा है कि आपको मेरे चैनल पर तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, इंग्लिश सब गानों के फ्लूट लेसन आपको मिलेंगे। अच्छा रुद्र, रुद्र घोरा जी कहते हैं बांसुरी 50 से सेमीटोन ऊपर हो गया है। भाई गर्मी की वजह से ये हो गया है, जहां पर रह रहे हैं मेरे ख्याल से आप, वो गर्म इलाका है, तो गर्म इलाका है तो बांसुरी को, तो अब मैं तो यही कहूंगा, गर्म इलाका है तो बांसुरी आप पूनम फ्लूट में जाएं, अगर बातचीत हो सकती है तो बताइए कि आप कहाँ रहते हैं, उसके हिसाब से वो बांसुरी आपको कस्टमाइज करके देंगे, तो आपकी बांसुरी उतरी हुई या चढ़ी हुई नहीं प्रस्तुत होगी। हालांकि मैं ये कहता हूँ, बांसुरी अगर आपको लगता हो कि सेमीटोन अप है, तो हम मैंने एक टेक्निक देखा है, बांसुरी में कपड़ा को भिंगोकर या रुमाल को भिंगोकर निचोड़ दीजिए एकदम, और इसको अंदर पीछे की तरफ से डालकर यहाँ तक रहने दीजिए। हालांकि बांसुरी पर इसका थोड़ा असर तो पड़ेगा, लेकिन 2-3 घंटे छोड़ने के बाद सेमीटोन डाउन हो जाता है, लेकिन बांसुरी पर थोड़ा असर पड़ता है, इसका आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तब वो आपको करीब करीब आपके तानपुरा से या पिच ट्यूनर से वो जाकर मिलेगा।
क्योंकि तो गर्मी है, मैं भी एसी में बैठा हुआ हूँ तो बासुरी तो थोड़ी चढ़े चढ़ेगी चढ़ेगी, तो गर्मी से थोड़ी सी चढ़ती है। तो द आर्ट ऑफ फ्लूट, अपना नाम जरूर बताइएगा, दिल्ली से कहें, आपसे सीखना चाहते हैं, तो सीखने का मन है तो ऑनलाइन आप सीख सकते हैं। अभी 3 दिन बाद मैं गुजरात में रहूँगा 2 महीने के लिए, गुजरात में अगर आप हैं तो मिलना चाहते हैं तो मैं सूरत में हूँ 2 महीने के लिए, फिलहाल 15 जून तक सूरत में रहूँगा, जिनको मिलना है आप वहाँ मिल भी सकते हैं। जॉब के साथ साथ प्रैक्टिस देखिए जितना भी हो सकता है। आशुतोष जी 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट बांसुरी बाहर निकाल कर रखिए, बाहर से आइए 10 मिनट बजाइए, खाना खाने के बाद 10 मिनट बजाइए, सोने के पहले 10 मिनट बजाइए, थोड़ा थोड़ा करके बजाते रहेगा साल भर में, या साल भर नहीं मैं कहूँगा 2-3 महीने में भी आपको थोड़ा थोड़ा तो रिजल्ट मिलेगा। करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, सिंपल थ्योरी है, आप इसको कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, इससे मेरी रीच बढ़ेगी और आपको सिखाने में बताने में मुझे भी मजा आएगा। और मैंने हमें जैसा कि कहा कि ज्वाइन बटन जरूर ले लीजिएगा, जिनको सीखने की इच्छा है थोड़े से पैसे खर्च कीजिए, ज्वाइन बटन लीजिए और मेरे जो ऑनलाइन फ्लूट क्लासेस के वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड का मतलब वैसे टीचर, एज ए टीचर मैं सिखाता हूँ लोगों को, तो उसके छोटे छोटे वीडियो आपको मिलेंगे, उससे बहुत मदद मिलेगी और फीस भी ज़्यादा नहीं है, 159 है, वो आप पे कर सकते हैं, सीखिए मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। और अभी अब क्योंकि क्वेश्चन आया है, छोटी बांसुरी पर कोमल ऋषभ की फिंगर का पोजीशन क्या होना चाहिए, सिद्धार्थ पूछते हैं। छोटी बांसुरी अभी आपने नहीं बताई, हालांकि मैं ये ले रहा हूँ एफ स्केल, मैं ले लूंगा, देखिएगा राग मारवा का मैंने आरोह अवरोह बजाया है, देखा आपने कितनी सफाई से मैंने कोमल रे लगाया। हालांकि छोटी बांसुरी मैं बजाता हूँ, छोटी से छोटी भी बांसुरी बजाता हूँ, फिलहाल तो अभी यहाँ पर मेरे पास है, मैं देखूँ, मिल गया, ये देखिए मेरे पास है A7 छोटी बांसुरी और ये है A स्केल, तो A7 देखिए थोड़ी फूकने में हार्ड होती है, याद रखिएगा। मेरा नंबर 9334112316, और मैंने हमेशा हम बहुत सारे वीडियो में मैंने डाल रखा है। क्या हाल है जीवन, जीवन निकल रहे हैं गुजरात, मिलना होगा तो मिल लेना आजकल में, फिर 2 महीने के लिए गुजरात में रहेंगे। शाहजीत सक्तार मेरा नंबर मैंने बता दिया आपको, और विकास कैसे हैं आप, ये मैंने देख ले रखा है A7, देखिएगा मैंने राग पूर्वी का आरोह अवरोह और छोटा सा एक आलाप बजा के आपको सुनाया इस A7 में, तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो कोमल रे कोमल गा सब बजेगा, लेकिन थोड़ा सा 6 महीने 8 महीने लगेंगे। ओह ज्वाइन बटन यूरोप में वैलिड नहीं ले रहा है, अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए आपने ट्राई तो किया। Yeah.
मैंने आपको गीत सुनाया रसिक वल्मा हाय तिल क्यों लगाया, फ्लूट लेसन ऑलरेडी इसका उपलब्ध है। और मैंने नए गाने बहुत सारे अभी किए हैं, तिलस्मी बाएँ और सकल बन फूले, जिनको नोटेशन चाहिए छोटे से फीस पर लेकर सीख सकते हैं। तिलस्मी बाएँ जो कि अभी हीरा मंडी जो नेटफ्लिक्स पर आ रहा है उसका ये गीत है, और सकल वन फूले। आइए कोशिश करता हूं कि सकल वन फूले आपको थोड़ा सा सुनाऊं। ये मैंने एफ शार्प बैकग्राउंड लगाया है। ये एफ शार्प है। उम्मीद करता हूं हाँ कल से स्कूल से होकर आइए जीवन। तो आज का सत्र हम यहां समाप्त करना चाहेंगे, और जिन्होंने ज्वाइन बटन ले लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्ध कैसे हैं? एक बार कोमल दैवत वॉल्यूम मैनेज करने का टिप दिया था, उससे हेल्प हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है, वॉल्यूम को थोड़ा मैच करना पड़ेगा, यह बहुत ही टेक्निकल थिंग है। कोमल दैवत को और शुद्ध दैवत का जो साउंड है लेवल है वो थोड़ा अलग होता है, तो बराबर उसको 6 से 8 महीना लगता है साउंड लेवल को मैनेज करने में। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होती है। आज का ये लाइव सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा, मेरे चैनल के साथ बने रहें, ज्वाइन बटन जरूर लीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग मी अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम भारत। सतत अच्छा क्या हाल है सतद्रु मुख, क्या हाल है? चलिए फिर मुलाकात होती है, मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, कोशिश कर रहा हूं ठीक रहने के, ठीक है ना? बहुत दिनों से ऑनलाइन हुआ हूँ तो लगता है मैं भूल गया हूँ कि अब ये कटेगा कैसे। हो गया चलिए फिर मुलाकात होती है, बाय, सी यू।